न्यूज़पत्र पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 431 अंक उछलकर 69,296 के नए रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी 168 अंकों की छलांग लगाई, ये 20,855 के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 20 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, वहीं निफ्टी के 32 शेयर हरे निशान पर पहुंचे। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव गिरे, चांदी भी टूटी। सोना 1,050 रुपए सस्ता हो गया। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 63,250 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी की कीमत भी 1,700 रुपए गिरी। अब 1 किलो चांदी की कीमत 78,500 रुपए हुई। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यह अनुमान अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने जताया।